कुछ एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जो मीनिंग लगभग एक ही जैसा प्रोवाइड करते हैं, और वही वर्ब दोनों मिलकर हमें कंफ्यूज करते हैं कि आखिर उनमें से कौन सा यूज करें, दो वर्ब में से कौन सा यूज करें। तो जब तक आप दोनों का 100% मीनिंग नहीं जानोगे, तब तक आप उसको सही वे में यूज नहीं कर पाओगे। तो हम लोग मीनिंग समझते हैं। तो पहला जो वर्ब है इन्वेंट एंड डिस्कवर, आपको ऐसा लग रहा है कि लगभग ये एक ही जैसा है, लेकिन एक जैसा है नहीं। जब आप इसका मीनिंग जानोगे तब आपका विजन क्लियर होगा कि आखिर ये चीज कैसे है। तो इन्वेंट का मतलब होता है डिजाइन करना, क्रिएट करना, कुछ ऐसा चीज जो कभी पहले नहीं हो। न्यू, नो प्रीवियस एग्जिस्टेंस, उसका पहले से कोई अस्तित्व ना हो और आपने वो चीज बना दिया है दुनिया में पहली बार, वो होता है इन्वेंट। और डिस्कवर वो होता है जो पहले से है, किसी को पता नहीं था और खोजा गया। जैसे कोई ग्रह है तो एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन पहले से किसी को नहीं पता था, नाउ इट इज द न्यू डिस्कवरी, नया पता चला है। न्यू इन्वेंट अलग चीज हो गया, न्यू डिस्कवरी अलग चीज हो गया। न्यू डिस्कवरी जब आप कहते हो तो कोई चीज पहले से था, आपके नॉलेज में नहीं था और वो अब पता चला है दुनिया को, तो न्यू डिस्कवरी। न्यू इन्वेंट कहने का ये मतलब होता है कि दुनिया में पहले था ही नहीं, कहीं भी नहीं था, और इसको डिजाइन किया गया है, क्रिएट किया गया है। ओके, तो ये हो गया। तो डिस्कवर का और क्या मतलब है? डिस्कवर में टू फाइंड इंफॉर्मेशन, अ प्लेस, ऑब्जेक्ट विच हैज ऑलरेडी इन इट्स देयर एग्जिस्टेंस स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले से था और अभी वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, अभी इसको उसके बारे में पता चला है। तो अब हमें यहां पर यूज करना है कि डिस्कवर और इन्वेंट में से क्या हो सकता है। तो पहला वर्ड, पहला सेंटेंस है द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज डिस्कवर और इन्वेंटेड इन 89। अब ये क्या हुआ, पहले से था ही नहीं, ये चीज पहले से था ही नहीं, तो नया नया आया 1989 में, तो इन्वेंट होगा, डिस्कवर्ड तो नहीं होगा। ओके, आई डिड नॉट इन्वेंट और डिस्कवर द स्टोरी, एवरीथिंग आई टोल्ड यू इज ट्रू। तो अब क्या कह रहा है कि ये जो आई डिड नॉट इन्वेंट और डिस्कवर द स्टोरी, मैंने नहीं इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया, एवरीथिंग आई टोल्ड यू स्टोरी, जो पहले से था वो सब कुछ सही है। तो क्या है, आई डिड नॉट इन्वेंट, मैंने नहीं बनाया है, ये पहले से ही था। किंग सी जिलेट इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेफ्टी रेजर इन 90, तो पहले से एग्जिस्टेंस नहीं था तो इन्वेंटेड होगा। कोलंबस इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड अमेरिका, पहले से था तो डिस्कवर्ड हुआ। ग्रहम बेल डिस्कवर्ड इन्वेंटेड द टेलीफोन, पहले से नहीं था टेलीफोन तो इन्वेंटेड हुआ। रॉबर्ट इन्वेंटेड डिस्कवर्ड सेल्स, पहले से था तो वो डिस्कवर्ड हुआ। एंड चार्ल्स बैबेज डिस्कवर्ड इन्वेंटेड कंप्यूटर, पहले से कंप्यूटर नहीं था, 1930 में आया तो ये हो गया इन्वेंटेड। तो इस तरह से आपको इन्वेंटेड एंड डिस्कवर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ब जो है हमारा सिंक एंड ड्रोन है। सिंक मतलब भी डूबना होता है और मतलब भी डूबना होता है। ओके, तो दोनों के डूबने में क्या अंतर है? अगर कोई डूबकर मर जाए तो उसको ड्रोन कहेंगे, और कोई निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग बीइंग है, ये डूब जाए अंदर में तो उसको सिंक कहेंगे। तो टू कॉज समथिंग और समवन टू गो डाउन बिलो द सरफेस और टू द बॉटम ऑफ अ लिक्विड और सबसिस्टेंस टू फॉल इन अ लोअर लेवल, नीचे में जाना। अगर आप कोई भी गोताखोर है, वो अपना जो भी कॉस्ट्यूम से वो पहनकर गया हुआ है और मरा नहीं है, वो जिंदा है, तो उसको सैंक कहेंगे, अंदर गया, एक लेवल तक गया है। अगर आप ड्रोन कहते रहो तो आप ये कह रहे हो कि मर गया भाई, गया और मर गया। तो टू कॉज टू डाई बाई बींग अनेबल टू ब्रीथ अंडर वाटर, तो उसको कहते हैं ड्रोन। ठीक है, अगर अंदर गया, जैसे मान लो किसी को तैरने नहीं आ रहा है और वो जंप मारा और वो अंदर ही चला गया, इसके बाद बाहर नहीं निकल पाया और डूब कर मर गया, तो सिंक नहीं होगा, ये क्या होगा, ड्रोन होगा। ठीक है, लेकिन किसी को तैरने आता है, किसी एक लेवल तक गया, तो उसको कहेंगे सिंक। ठीक है, द टाइटेनिक सैंक और ड्रोन्ड इन 1912, तो टाइटेनिक क्या, नॉन लिविंग है तो सैंक होगा, मरा तो नहीं भाई, मरता कौन है जो जिंदा रहता है,
तो इसलिए यहां पर क्या होगा, सैंक, सी सैंक, सिंक, सैंक एंड ड्रोन्ड इन बोटिंग एक्सीडेंट, बोटिंग एक्सीडेंट में वो डूबकर मर गई, तो ये हुआ। दे सैंक एंड ड्रोन्ड देयर टीथ इनटू द इनॉर्मस बटर केक, तो अब यहाँ क्या है, इनॉर्मस बटर केक में जो है वो लोग ने टीथ को क्या कर दिया है, सैंक कर दिया है। द इन्फेंट फेल इनटू द वाटर एंड ड्रोन्ड एंड सैंक, तो गया और जाकर मर गया, तो ये हो गया क्योंकि बच्चा है। द सन सैंक ड्रोन बिलो द हॉरिजन, तो हॉरिजन में वो मरा तो नहीं है, सैंक हुआ है, डूबा है। द चाइल्ड कुड हैव ड्रोन्ड इफ सी वॉज नॉट पुल्ड आउट ऑफ द वाटर, तो मर सकता था डूब कर अगर उसको नहीं निकाला जाता। द लेग्स ऑफ प्लास्टिक चेयर माइट सिंक और ड्रॉन इन टू द सॉफ्ट ग्राउंड, तो वो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, माइट सिंक, अंदर में धस जाएगा। सो ये सिंक एंड ड्रॉन में भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ब है वो है हैंग वर्सेस हैंग। तो हैंग वर्सेस हैंग कैसे याद रखेंगे, एक वर्ब जो है ईडी फॉर्म में होता है और एक वर्ब जो है हैंग हंग हंग होता है, ठीक है। तो जो ईडी फॉर्म में होता है, जो लंबा होता है, देखो लंबा है तो इसका मतलब होता है फांसी देने, कैसे याद रखोगे, फांसी देने के बाद आदमी शरीर लंबा रहता है, तो ये इसका मतलब हो गया हैंग, टंग गया है। टू किल सुसाइड समवन वनसेल्फ बाय ड्रॉपिंग देम इनटू रोप टाइड अराउंड द नेक, तो हैंग कहने का मतलब भाई फांसी पर लटकाना। हैंग हंग हंग मतलब फिक्स एट टॉप, कहीं पर टांगना, तो क्या कहेंगे, ये वाला हैंग होगा, हैंग हंग हंग। टू फास्टन एट द टॉप लिविंग अदर पार्ट्स, ओके। सो अब कह रहा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी हैंग और हंग टू द गोल्ड नेकलेस अराउंड हर नेक, तो हैंग तो होगा नहीं, हंग होगा। कशबा वॉज हैंग, नहीं सॉरी, कशबा कशाब वॉज हैंग और हंग फॉर द टेररिस्ट अटैक, तो ये तो हुआ नहीं है, हैंग हुआ है, लटका कर मार दिया गया। द कर्टेन हैंग और हंग इन स्टील रॉड, तो स्टील रॉड से टंगा हुआ है, तो टंगा के लिए ये है। He was found guilty and hanged or hung, तो उसको guilty पाया गया और फांसी पर लटका दिया गया, तो ये है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीन को देख लिया, चौथे को देखते हैं। चौथा में कह रहे हैं take and give, take या do या sit, sit in the examination का मतलब होता है take, या sit या do, appear in the examination, ये appear in the examination ये incorrect है। इनकरेक्ट कैसे है, आप अगर कंपटिटिव सेंस में जाओगे तो वो इनकरेक्ट हो जाता है। गिव कहने का मतलब है टू होल्ड एन एग्जामिनेशन, हम लोग कहते हैं ना एग्जाम, हम लोग देते हैं, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देना हम लोग गिव नहीं लिखेंगे, ये गिव इंग्लिश में क्या हो जाएगा, आई एम गिविंग एग्जामिनेशन इज इनकरेक्ट, आई एम टेकिंग एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन को टेक कर रहे हो, पेपर टेक करते हैं हम लोग, कैसे याद रखेंगे, पेपर टेक करते हैं, राइट करते हैं, तो वो क्या हो गया, I am taking examination. अब टीचर क्या करता है, गिव करता है, क्वेश्चन पेपर देता है, गिविंग एग्जामिनेशन, तो उस तरह से याद रखना है कि टीचर क्या करता है, आपको क्वेश्चन पेपर देता है, तो टीचर इज गिविंग एग्जामिनेशन, आई एम टेकिंग द एग्जामिनेशन, आई हैव टेकन द एग्जामिनेशन, इस तरह से, ओके। सो टीचर गिव्स द एग्जामिनेशन, एक टीचर क्या करता है, एग्जाम देता है, क्वेश्चन पेपर देने से बताएं। स्टूडेंट टेक्स द एग्जामिनेशन, एस्पिरेंट्स रिफ्यूज टू टेक द एग्जामिनेशन, Okay. अब देखो, अब जो हमारे पास वर्ब है, राइज है, रेज है, अराइज है, इन तीनों को समझते हैं। ओके, तो देखो आज पांच वर्ब तक ही देखेंगे इस वाले वीडियो में। तो राइज जो होता है, राइज, रोज, राइजेन, इसका फॉर्म ये है। तो टू मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करना इज क्या है, राइज, रोज, राइजन। टू मूव अपवर्ड, टू स्टैंड आफ्टर सिटिंग, तो मान लो आप बैठे हुए हो, बैठकर जो उठते हैं तो क्या है, राइज, रोज, राइजन है। टू गेट आउट ऑफ बेड, बेड से बाहर निकलना सोने के बाद भी क्या है, राइज, रोज, राइजन में ही आए। रेज, रेस्ट, रेस्ट, टू लिफ्ट समथिंग टू हायर पोजिशन, किसी चीज को रेज करना, ऊपर की तरफ उठाना, ठीक है।
और यहाँ मूव करना और किसी चीज को पकड़ कर उठाना। और जैसे प्राइस कोई चीज का बढ़ता है, जैसे दाल चावल का प्राइस बढ़ता है, तो रेज्ड नहीं कहेंगे, किसी चीज को पकड़ के हमने नहीं ऊपर की तरफ लिफ्ट किया है। लेकिन दाल चावल का जब दाम बढ़ता है तो वो क्या होगा, मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ भागा है। तो द प्राइस ऑफ डेली कमोडिटीज रोज या फिर राइजिंग, जैसा यूज करना है। अब यहाँ पर रेस्ट क्या होगा, कोई चीज को पकड़ कर, जैसे किसी को पकड़ कर ऊपर रख दिए, तो रेस्ट टू लिफ्ट समथिंग टू अ हायर पोजीशन, टू टेक केयर ऑफ अ पर्सन, किसी को, एनिमल को, प्लांट को, तो रेस्ट करना। रेस्ट मतलब क्या, पालन पोषण करना भी रेस्ट का मतलब आता है। अनटिल दे आर कम्प्लीटली ग्रोन, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग उसको रेस्ट कहेंगे। अराइज ए रोज अराइज इन, इसका क्या मतलब होता है, टू गेट आउट ऑफ बेड आफ्टर स्लीपिंग, स्लीपिंग के बाद जो हम लोग उठते हैं तो उसी को अराइज ए रोज अराइज इन कहते हैं। तो इन तीन तरह के वर्ब के फॉर्म में हम लोग ने देख लिया, राइज रोज राइज इन, ऊपर की तरफ मूव करना, रेस रेस रेस्ट क्या क्या है, पालन पोषण करना एक मतलब, दूसरा मतलब किसी चीज को लिफ्ट करना ऊपर की तरफ, अराइज रोज राइज इन सोकर उठना। तो अब देख लेते हैं हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसको देख लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट भाव देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। द बैलून रोज रेज राइज इन जेंटली इन टू द एयर, तो ये अराइज इन तो सोकर तो उठा नहीं है। द बलून जो है वो ऊपर की तरफ रोज हुआ है, पकड़ कर तो उठाया नहीं गया है। तो द बलून रोज जेंटली इनटू द एयर, ओके। द गवर्नमेंट अराइजन रेज रोज टैक्सेस, तो अब वो क्या है, अराइजन तो होगा नहीं, सोकर उठा है, तो रेस्ट पालन पोषण तो टैक्स को नहीं किया है, ठीक है, रेस्ट लिफ्ट तो नहीं किया है, ये मूव अपवर्ड हुआ है, नहीं ये क्या होगा, द गवर्नमेंट रेस्ट खुद से इंटेंशनली किया है तो रेस्ट होगा, रोज होगा नहीं। He arisen, rose, raised from chair to welcome us. तो वो उठा चेयर से, तो arisen नहीं होगा। तो उठा का बैठ कर उठना क्या होता है, रोज होता है। He arisen, rose, raised to his feet to the upstairs. तो he arisen, अब he up stairs के ऊपर गया तो arisen होगा नहीं, तो क्या होगा, he टू हिज फिट टू द अप स्टेयर्स, अप स्टेयर्स के ऊपर गया है तो क्या हो जाएगा, रोज होगा, ऊपर उठ कर गया है। His parents died when he was an infant and he was raised, तो raised मतलब पालन पोषण किया गया है, उसके grandpa ने किया है। He raised rose his hands with much effort, तो much effort के साथ उसने lift किया है ऊपर की तरफ, तो raised। The water level in the water rose होगा, ठीक है, लेवल। द सन हैज रेज्ड राइजन अराइजन, अराइजन नहीं होगा, रेज नहीं होगा, राइजन होगा। तो इस तरह से इस वाले वीडियो में हम लोग ने देख लिया पांच वर्ब्स, और उसमें बहुत सारे वर्ब्स थे, उसको भी कैलकुलेट कर लिया है कि कैसे हमें याद रखना है, कैसे हमें समझना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।